गोरखपुर विश्वविद्यालय में इन दिनों स्नातक और अपर स्नातक कक्षाओं में प्रवेश कार्य चल रहा है। एक छात्र के एडमिशन को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के लगभग 2 दर्जन छात्रों ने शुक्रवार को दीक्षा भवन में चल रहे प्रवेश कार्य को कुछ देर तक बाधित करने का काम किया। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि ओबीसी कोटे का एक अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय भूलवश ओबीसी की जगह जनरल में क्लिक कर दिया, जिसके कारण वो अभ्यर्थी समय से विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले सका। वर्तमान समय में वो छात्र प्रवेश के लिए काफ़ी परेशान है, जिसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। वहीं छात्रों द्वारा कुछ देर तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इस मुद्दे पर जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन मिला, जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व पुस्तकालय मंत्री दीपक यादव ने कहा, एक बच्चे से कैटेगरी वाइज गलती हो गई, उसने ओबीसी की जगह जनरल फिल कर दिया, लेकिन आज वो कास्ट सर्टिफिकेट लेके आया है, उसका उससे ये बोला गया जब जनरल की मेरिट थी कि तुम आके ओबीसी में करवाना, लेकिन आज जब जनरल की सीटें फुल हो गई हैं और वो ओबीसी सर्टिफिकेट लेके आया है, बस इस वजह से उसका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि उसने ओबीसी टिक नहीं किया था, इस वजह से उसका एडमिशन, इसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से बात हुई है? विश्वविद्यालय प्रशासन इतना मनमानी पे उतरा है, वो बोला कि 6 दिन का टाइम दिया गया था, बताइए मानवीय भूल हो गई, वो नहीं देख पाया, वो समझा कि ओबीसी मेरा टिक हुआ है, उसको यहाँ आके पता चला कि उसका ओबीसी टिक नहीं हुआ था, जनरल हुआ था। आखिर अगर नहीं एडमिशन करना था तो क्यों आश्वासन दिया गया कि तुम ओबीसी में आके करवाना, ये तो उसके साथ धोखा है, विश्वविद्यालय धोखा कर रहा है उसके साथ। आगे जब तक उसका एडमिशन नहीं होगा तब तक एडमिशन बंद रहेगा।